वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर हम एक पूरा का पूरा सेशन रख रहे हैं जिसमें हम पूरा का पूरा वैल्यू एडेड टैक्स को पूरा पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट वैट, और वैट एक चीज अभी के अभी फर्स्ट मिनट में ही एक चीज बना लो, वैट कोई भी टैक्स नहीं होता। वैट इज अ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के पीछे जो टैक्स लग रहा है उसका नाम है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स नाम का टैक्स लगता है जिसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगता है वैट का, इसीलिए हम यहाँ पर उसको क्या किस नाम से पढ़ रहे हैं, वैट के नाम से पढ़ रहे हैं। अदरवाइज ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो अपन अपने सेल्स टैक्स के नाम के टैक्स के ऊपर लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब मैं वैल्यू एडेड टैक्स की बात कर रहा हूं, ये एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे टैक्स कौन सा लगा हुआ है, सेल्स टैक्स लगा हुआ है। क्लियर? अब क्योंकि सेल्स टैक्स लगा हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, तो हम गुड्स बेचने पर जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगाते हैं वैट का। क्या बेच रहे हैं? गुड्स। गुड्स बेचने पर हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगा रहे हैं, वैट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो सबसे पहला पॉइंट ही अपने को बहुत क्लियरली समझने का है कि वैट इज अ कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर किसके ऊपर लगा रहे हैं, सेल्स टैक्स के ऊपर, और सेल्स हम क्या करेंगे, गुड्स। इसमें कोई डाउट? अब ये वैट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, सबसे पहली चीज। सी पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं, हमने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है, हर जगह हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी आप फैक्ट्री से माल बाहर खरीदते हो तो क्या सीधा फैक्ट्री के ओनर आपको माल बेच रहे हैं क्या? फैक्ट्री के ओनर, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट मिस्टर ए इज हैविंग हिज फैक्ट्री। ए की फैक्ट्री से सबसे पहले माल किसके ऊपर जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर से माल किसके पास जाता है, होलसेलर के पास। होलसेलर के बाद जो माल जाता है वो जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद फाइनली किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास। तो ये एक ओवरऑल चेन बनती है। जब हमारा फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है, वही का वही माल हमको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, हमने इसकी एक तरह से चेन बनाने की कोशिश करी। सिंपल बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो ए जब डी को माल बेच रहा है, क्या वो सेल कर रहा है? यस। अगर सेल कर रहा है तो क्या वो गुड सेल कर रहा है? यस। दैट मींस ही हैज टू कलेक्ट सेल्स टैक्स जिसके ऊपर वो कॉन्सेप्ट काय का लगाएगा, वैट। अब छोड़ दो वैट को, पांच मिनट वैट आया ही नहीं था अभी, तो ये मानो। तो यहां पर सपोज 100 रुपए का माल ए ने किसको बेचा है, डी को। उसके ऊपर वैट का रेट हमारे लिए अभी कौन सा माना जाएगा, 4%। दैट मींस 100 रुपए के ऊपर ये 4 रुपए कलेक्ट करेगा, तो डी ए को कितना पे करेगा, 104। अब ये जो 104 रुपए है ये तो सेलिंग प्राइस हुई 100 रुपए। जो 4 रुपए है वो किस नाम से था, सेल्स टैक्स। तो यहां पर कलेक्शन कितना हुआ, 104। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये 104 रुपए ए की इनकम है क्या? जो 4 रुपए है वो किस नाम से मैंने कलेक्ट किए हैं, सेल्स टैक्स। और क्योंकि सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब बर्डन किसी और का जमा कोई और कराएगा। हमने ये चीज बहुत क्लियरली पढ़ी हुई है कि टैक्सेस होते हैं दो प्रकार के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में बर्डन मेरा मैं ही जमा कराऊंगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। बर्डन मेरा जमा किसी और ने कराया, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अपना याद करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। अगर आपने किसी को खींच के चाटा मारा, दर्द उसी को हुआ, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। आपने किसी को खींच के चाटा मारा, दर्द किसी और को हुआ, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हमने जब बोला कि आपने ये जो सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है, क्या ये सेल्स टैक्स मिस्टर डी ए की इनकम है क्या? नहीं। अब ये जो सेल्स टैक्स है ये किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। ये स्टेट गवर्नमेंट को क्यों जाएगा, उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। रीजन ये है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में होती है 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट।
यूनियन लिस्ट में वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि सेंट्रली आप कोई सा भी टैक्स लगा सकते हो। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि सेल्स के ऊपर आप क्या ले सकते हो, सेल्स टैक्स ले सकते हो। तो अब ये जो सेल्स टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये यूनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में? स्टेट लिस्ट में। तो ऑब्वियसली बात है, जब स्टेट लिस्ट में तो कलेक्ट भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कोई डाउट? अब ये जो कलेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो ये ए किसको पेमेंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। कितना रुपया? 4 रुपया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, डी की कॉस्ट कितनी है? डी ने पेमेंट कितना किया? 104। तो डी की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 104। क्या डी 104 के 104 में ही माल बेच देगा क्या होलसेलर को, कि वो भी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा? प्रॉफिट जोड़ेगा ही जोड़ेगा। तो सपोज 20 रुपया ये प्रॉफिट जोड़ता है, मतलब डी की कॉस्ट कितनी थी? 104। उसने अपना प्रॉफिट कितना जोड़ा? 20 रुपया। तो अपने को तो बहुत बचपन से ही अपन ये करते आ रहे हैं भैया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है? अब 124 का 4% वो वैट भी कलेक्ट करेगा, किससे? होलसेलर से। तो 124 का 4% कितना होता है? 4.96, मतलब 128.96 वो कलेक्ट करेगा। कौन किसको देगा? होलसेलर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। अब क्वेश्चन ये है, होलसेलर की जो डिस्ट्रीब्यूटर की सेलिंग प्राइस थी वो तो 124 थी, क्या ये 4.96 डी की इनकम है क्या? ये तो उसने कलेक्ट किया। अब ये कलेक्ट करके ये डी जो है ये पेमेंट किसको करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। कितना? 4.96। अब यहां पर होलसेलर की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 128.96। अब जब ये 128.96 इसकी कॉस्ट मानी जाएगी, तो ये भी क्या 128 रुपए बेच देगा या ये भी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा? प्रॉफिट जोड़ेगा। अब सपोज ये भी अपना प्रॉफिट कितना जोड़ रहा है? 20 रुपया। कॉस्ट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दैट विल बी 148.96। अब 148.96 के ऊपर वो क्या कलेक्ट करेंगे? सेल्स टैक्स 4%। कितना होता है? 5.95 या 94 ले लें। तो टोटल कितना कलेक्शन होगा? 154.90। मतलब क्या होलसेलर को भी कुछ देना पड़ेगा क्या स्टेट गवर्नमेंट को? कितना आएगा? 5.94। सिमिलरली रिटेलर भी यही कॉन्सेप्ट लगाएगा, रिटेलर की कॉस्ट आप मान लोगे 154.90 और उस तरह से उसका प्रॉफिट उसका सेल्स टैक्स लेके फिर अपन स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे, यही होगा। अब एक चीज इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ध्यान से देखें, आपने जब माल बेचा, ए ने जब डी को माल बेचा, जब डी ने होलसेलर को बेचा, डी ने जब होलसेलर को बेचा तो डी ने अपनी कॉस्ट कितनी मानी? 104। 104 के बाद सेलिंग प्राइस भी अपन की कितनी हो गई? 124। 124 सेलिंग प्राइस होने के बाद आपने एक चीज गौर करो, ये जो 4 रुपया है ये 4 रुपया किस चीज का है? ये सेल्स टैक्स का है। मतलब यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि 124 रुपए आपकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस मानी जाएगी, तो इस सेलिंग प्राइस में वैट जो डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है उसको भी अपन ने इंक्लूड किया। मतलब ये जो 4.96 का पोर्शन हुआ, क्या ये 4.96 में ये कॉस्ट जुड़ी हुई थी क्या? यस, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या निकाला? सेल्स टैक्स। सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर आपने सेल्स टैक्स निकाला है तो लॉजिकल है कि ये सेल्स टैक्स जो आ रहा है ये सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग था। उस सेलिंग प्राइस में अपन ने कैसे निकाली थी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के। उस कॉस्ट में आपने क्या जोड़ दिया था? पिछला वाला वैट, सेल्स टैक्स। अब ये सेल्स टैक्स के ऊपर सेल्स टैक्स बार बार दे रहा हूं मैं, सिमिलर बेसिस पर यहां पर मैंने अपनी कॉस्ट कितनी मानी? 128.96। मतलब इसमें 4.96 भी जुड़ा हुआ है और 4 रुपया भी जुड़ा हुआ है।
फिर उसके बाद मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा, फिर सेल्स टैक्स निकाला। अब ये सेल्स टैक्स का जो परसेंट निकला, क्या इसमें 4 रुपए जुड़े हुए हैं ओरिजिनल वाले? यस। क्या इसमें 4.96 भी जुड़ा हुआ है? तो ऐसा नहीं लग रहा मैं टैक्स के ऊपर टैक्स बार बार ले रहा हूं। तो इसी कॉन्सेप्ट के कारण ये जो प्रॉब्लम हुआ, इससे हो क्या रहा था, इससे जो फाइनल कंज्यूमर तक माल पहुंच रहा था तब वो माल एक्सट्रीमली महंगा हो जाता था। अब ये एक्सट्रीमली महंगा हो रहा था, गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? जो बिजनेसमैन है उनके लिए या फिर फाइनल कंज्यूमर के लिए? फाइनल कंज्यूमर के लिए। फाइनल कंज्यूमर को अगर किसी चीज से हर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि आपको वो वाला बेनिफिट मिले और फाइनल कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा लोड न आए। तो उस चीज को बाहर करने के लिए इन्होंने बोला कि ये जो आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी अपन ने यहां से देखा, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक चीज को याद दिलाता है, दैट इज कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लेते जा रहे हैं। अब अगर आप टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लोगे तो वो होगा कास्केडिंग इफेक्ट। उससे कहीं ना कहीं हर्ट होगा कंज्यूमर को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट क्या था, वैट। वैट का फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर इसको संधि विच्छेद करो तो वो क्या बोलता है, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब वैल्यू में आपने जितना एड किया है, हम सिर्फ उसी पे ही क्या करना चाह रहे हैं, टैक्स लेना चाह रहे हैं। आ रही बात समझ में? मतलब डी ने जब माल बेचा, किसको डी ने माल किसको बेचा था, होलसेलर को, तो डी की कॉस्ट सबसे पहली चीज 104 नहीं मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी, 100। डी ने कायदे से अपने प्रॉफिट को ही ऐड किया है, तो डी ने ये वाले प्रोडक्ट के ऊपर कितना वैल्यू एडिशन किया, 20 रुपए। तो डी को कायदे से पेमेंट भी कितना करना है, 20 रुपए के ऊपर जो वैट का रेट था। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट का नाम क्या आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स। डी ने वैल्यू एड कितनी करी, 20। उसके अलावा तो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था। अब या तो फिर आप 20 के ऊपर सीधा 4% ले लो और डी जो स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा वो 4.96 अब नहीं करेगा, वो कितना करेगा, 20 रुपए का 4%, दैट इज 0.8। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू में एडिशन भी कितना किया है, 20 का, तो उसका टैक्स भी कितना बनता है कायदे से, 20। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। अगर मैं आपकी कॉस्ट मान रहा हूं 100, प्रॉफिट जोड़ा आपने कितना, 20, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 120। तो अब आपका वैट भी कितने पे निकलेगा, 120 के ऊपर 4% कितना होता है, 4.8। तो कलेक्ट कितना करेगा, 124.8। बट डी ने वैल्यू एड कितना किया है, 20 का। तो या तो फिर 20 के ऊपर 4% उससे भरवा दो, या फिर जितना उसने कलेक्ट किया, कलेक्ट कितना किया है, 4.8 लेस जितना उसने पे किया। पे कितना किया था डी ने ए को, 4 रुपया। तो नेट कितना बचा, 0.8। कास्केडिंग इफेक्ट के बाद वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। प्योरली वाजिब इन्होंने एक सेक्शन बनाया जिसमें इन्होंने बोला, यार सीधी सीधी बात है, मैं अगर पूरा का पूरा बर्डन बार बार कंज्यूमर के ऊपर ले जाऊं और हर एक बंदे के ऊपर इक्वल बर्डन रख लूं तो आज नहीं तो कल प्रोडक्ट तो महंगा होगा ही होगा जब वो फाइनल कंज्यूमर तक जाएगा। मैं पूरे के पूरे प्रोडक्ट को एक्सट्रीमली महंगा नहीं कर सकता। अगर महंगा कर दिया तो फंसेगा कौन, कंज्यूमर। फिर कंज्यूमर एक ही बात से रोएंगे, प्राइस राइज से रोते हैं अपन। अगर जैसे सब लोग ही रोते हैं, प्राइस राइज हो रही है, हम हर चीज महंगी होती जा रही है। अब महंगी होने का तुम क्या कर लेते हो, बताओ, कुछ नहीं। जबकि सबसे बड़ा पावर अपने पास है, अपने हिसाब से सरकार अपनी बात नहीं सुन रही ना, तो अगले बार उसी सरकार को हम लाएंगे क्या वापस, नहीं। तो गवर्नमेंट को इसी का तो थ्रेट है, वरना गवर्नमेंट तो अपनी मनमानी करेगी। इंडिया के ओवरऑल सिस्टम में अगर आप देखोगे तो सिस्टम क्या बोलता है कि भैया अगर आपको कोई गवर्नमेंट नहीं जम रही, 5 साल का टेन्योर होता है ना, 5 साल के टेन्योर में अगर आपके काम जम रहे बहुत बढ़िया, नहीं जम रहे निपटाओ उनको, दूसरी गवर्नमेंट लेके आओ। अभी अपन ने वही किया, 10 साल से तो अपनी कांग्रेस ही चल रही थी,
नहीं जम रही, बात नहीं समझ आ रही थी, तो अपन ने किसको लेके आए? मोदी सरकार। तो अब यही कॉन्सेप्ट लगाते ना हम, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम उनको हटवा सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को थ्रेट लगता है, इसलिए गवर्नमेंट कंज्यूमर की बात सुनती है, इसलिए गवर्नमेंट ने कौन सा कॉन्सेप्ट लगवाया है? वैट का। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब ऐसी सिचुएशन में आपको कैलकुलेशन के होंगे दो तरीके, या तो फिर जितना वैल्यू में एडिशन किया है उसके ऊपर वैट लगा दो, या फिर वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। दोनों तरह से आंसर सेम आएंगे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब एक मेरे को बात बताओ, इसी कॉन्सेप्ट को दो मिनट और लेते हैं, देन अपन एक आध प्रैक्टिकल करेंगे तो दिमाग में और चीज बैठेगी। जब ए ने डी को माल बेचा, किसने किसको बेचा? ए ने डी को माल बेचा, तो डी से उसने क्या कलेक्ट किया? सेल्स टैक्स। कायदे से डी के पॉकेट से कितना गया? 104। डी तो यही बोलेगा ना, सर मेरी कॉस्ट तो 104 है, मेरे पॉकेट में से आप 104 ले गए। क्वेश्चन समझ आया? डी के पॉकेट से कितने गए? 104। तो डी तो इसी बात से रोएगा कि मेरे पॉकेट से कितने गए भाई, 104, तो मेरी कॉस्ट भी कितनी मानो? 104। क्या कॉस्ट 104 माने? यस और नो? तो अब डी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों नहीं, तो आप आंसर क्या दोगे? मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की बात नहीं है, डी के पॉकेट से कितना जा रहा है? 104। चार गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो डी तो बोल रहा है मेरे तो पॉकेट से गया ना। यस, उसने परचेस किया तो उसने 104 रुपया पे किया। हाँ, 4 रुपए एक्स्ट्रा है ना, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा से छोटा सा अमाउंट है तो छोड़ दो, 4 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते क्या कंजूस हिंदी? ऐसा बोलेंगे क्या सामने वाले को? ऐसा भी तो नहीं बोल सकते ना आप सामने वाले को, बोलेगे क्या क्या 4 रुपए के लिए रो रहा है यार, 104 रुपए तो है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। चल ठीक है, यहां पर अपन ने 2 लाख क्वांटिटी खरीदी है, अब 2 लाख को मल्टीप्लाई कर 104 से, ऑटोमेटिकली अमाउंट बढ़ जाएगा, 8 लाख में कंजूसी होगी। See, you can't say these particular things because when you are talking about taxation, each and every calculation should be logical. वो अपन को वो बोल रहा है कि सर मेरी कॉस्ट 104 है, कायदे से वो गलत नहीं बोल रहा, बट उसको गलत साबित करने के लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा? बॉस तू एक बात बता, तू कलेक्ट कितना कर रहा है? 4.8। अगर मैं तेरी कॉस्ट 104 मान लूं, तो ये 4.8 देखो पूरा का पूरा किसको जमा करवाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। सीधी बात है, जब ये 4 रुपए का बेनिफिट मैं तेको बाद में दे रहा हूं ना, देखो गवर्नमेंट को तूने कायदे से कलेक्ट कितना किया है? 4.8, बट तू गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना डाल रहा है? 0.8, मतलब 4 रुपए का बेनिफिट मैं तेको बाद में दे रहा हूं ना, तो एक ही चीज का 2 बार बेनिफिट ले सकते हो क्या? नहीं। अब बेनिफिट कैसे होता है, या कॉस्ट बढ़ा दो या प्राइस घटा दो। अब हमने आपको बोला कि भैया आप अपनी कॉस्ट तो हटा दो, क्योंकि इसका बेनिफिट हम आपको बाद में दे रहे हैं। बाद में कहाँ दे रहे हैं? जब आप वैट का पेमेंट कर रहे हो, किसको? गवर्नमेंट को। हम वहां पर बोल रहे हैं ये वाला अमाउंट हम घटा देंगे, तो जो घटा हुआ अमाउंट होगा वो आपको गवर्नमेंट को अकाउंट में टैक्स पे करना है। उसका कॉन्सेप्ट क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। तो चलो एक काम